अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग की दुआ की वजह से माशाल्लाह हम भी ठीक हैं, शुक्रिया अल्लाह का। सो गाइज, आज है कूंडे और हम लोग ने कूंडे की पूरी बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। सो आप सब लोग देखते रहिए हमारा ये फराका सफ़र और हम शेयर करेंगे अपनी कूंडों की पूरी की रेसिपी आप लोग के साथ में। तो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। ओके गाइज, तो फ्रेंड्स पहले हम कोई साफ़ बर्तन लेंगे, उसमें छन्नी की मदद से मैदा को अच्छे से छान लेंगे। फिर मैदा में डालेंगे सूजी, केवड़ा जल और इलायची का पाउडर या इलायची कूटकर। उसके बाद में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक घंटे के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स सूजी डालने से पहले भी सूजी को अच्छे से साफ़ करें और छानकर ही डालें। फिर डालेंगे कोई भी अच्छा रिफाइंड ऑयल, अगर आप देसी घी डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। फिर उसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, यहाँ पर सजर ने पहले ही नारियल का बुरादा डाल दिया था। सो चलिए आगे की रेसिपी देखते हैं फिर क्या डालना है हमें। फ्रेंड्स तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को अच्छे से गूंदेंगे और एक घंटे के लिए उसको ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। हे फ्रेंड्स, तो मैदा को रखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैदा को अच्छे से गूंद लेंगे। हे फ्रेंड्स, तो अब हम आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और उसके बाद में पट्टे बेलन की मदद से हम इसको रोटी की जैसे बेल लेंगे। छोटी या बड़ी जैसे भी हमें चाहिए पूरी, वैसे ही हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया है रिफाइंड गरम करने के लिए, तो रिफाइंड गरम हो गया है, अब इसमें हम पूरियाँ डाल के फ्राई करेंगे। अब इसको अच्छे से बेल लिए रोटी के जैसे, उसके बाद में ग्लास से कट करेंगे इसको। बन गए देखो, इसको रख देंगे, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स कूंडे की पूरी और खीर पर फाथा लग चुकी हैं और हम अभी खा रहे हैं पूरी और खीर, तो काफ़ी टेस्टी बनी है।
माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी लग रही है। आप सब लोग को भी खाना है तो आ जाएं कुंडे की पूरी पूरी खाने के लिए हमारे घर पे। ओके बाय। हे गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।